ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि का उल्लास छाया हुआ है। भगवान महाकाल दूल्हा बने हुए हैं, उन्हें हल्दी अर्पित की गई है। गुरुवार तड़के भगवान का अभिषेक और भस्म आरती के बाद सुबह 5 बजे से दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है जो कल तक चलेगा। बीती रात 3 बजे से दूल्हा बने बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए भक्तों की कतारें लग गई। भक्त शुक्रवार सुबह 10 बजे तक भगवान के सतत दर्शन कर सकेंगे। करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मंदिर की परंपरा अनुसार बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 2:30 बजे मंदिर के पट खुले। इसके बाद पुजारियों ने अभिषेक और भस्म आरती की। भूत भावन भगवान महाकाल की छटाई निराली है, जो उन्हें देखता है सम्मोहित होकर रह जाता है। आज सुबह 5 बजे से दर्शन का क्रम शुरू हुआ। दोपहर में तहसील की ओर से शासकीय पूजा हुई और शाम को पुजारियों ने होलकर व सिंधिया एस्टेट की ओर से पूजा की। इसके बाद संध्या आरती में भगवान को मीठे गर्म दूध का भोग लगाया गया, उन्हें हल्दी का उपटन भी लगाया गया। महाकाल के महाअभिषेक में दूध, दही, खांडसारी, शहद, घी, 5 प्रकार के फलों का रस, गन्ने का रस, गंगा जल, गुलाब जल, भांग आदि सामग्री के साथ केसर मिश्रित दूध से अभिषेक किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।